बच्चा आपको वो अभिलंब प्रतिक्रिया लेनी है जिसके कारण वस्तु धरती से चिपक के रही, जो किसी भी बल के कारण आकार परिवर्तन नहीं करती, जो किसी भी बल के कारण आकार परिवर्तन नहीं करती। सही बात है, उसी को बच्चों ने पहले डिफॉर्मेशन बोला था। कुछ भी आप कर लो डिफॉर्म नहीं होगा, जैसी ऐसी बच्चों जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे वाले सब में मैं रिजिड वाला ही मान के चलूंगा, कब तक, जब आप फ्लूइड वाले पे ना आ जाओगे, या मैं खुद बोल दूंगा कि बढ़ाना इसकी लंबाई, तब तक इसमें फिलहाल ऐसे देखते हैं। बच्चों दो चीजें यहाँ अच्छे सुनना बेटा, अब दो चीजों का मंत्र करता हूँ बच्चों। एक हमने पूछा है ये आपका घूर्णन वाला या घूर्णी आपका जिस तरह गति करता है, और एक आपने सिंपल पढ़ा था बच्चों कैसे वाला, ट्रांसलेशन वाला जो सरल रेखा पे चला था उस वाली बात किया। सरल बोलना सही नहीं होगा, आगे जाए ऊपर जाए नीचे जाए, प्लेन वाली मैं बात कर रहा हूँ। किस रिस का वर्ड बच्चों में ट्रांसलेशन ही लिखता हूँ, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये होता बच्चों, चाहे आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, पहले मैंने पूरे चैप्टर पढ़े, अच्छे सुनना। एक मैंने ऐसी वस्तु बनाई बच्चों, इसका नाम आपका जो भी है, यहाँ भी मैंने वही बना दी जैसे यहाँ था, इस पे मैंने पॉइंट मार किया, एक ए बिंदु और एक बी बिंदु है, यहाँ भी बच्चों एक बिंदु ए है और एक बिंदु ऐसे बी है। जब बच्चों आप बल लगाते हो इस पे, सिंपल बल लगता था, एफ लगा दिया या विस्थापन आप निकालते रहे, या बच्चों कुछ भी आप निकालते रहे, तो पहले वातावरण निकालो, गति ले लो, तो बल निकालो, कुछ भी ले लो। जब आप सिंपल लगाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, सर ये आपका ए बिंदु भी और बी बिंदु भी सीधा जाता रहेगा। या और अच्छे समझाऊं, यदि मैं बच्चों ऐसे मार्क कर देता ना, ये ए है और ये बी है, सामने आपने एफ बल लगा दिया, यदि ए और बी के बीच में बच्चों दूरी रही हो, पहले मान लो इन दोनों के बीच में डी दूरी है, एक वस्तु जैसे मेज है, मेज के ऊपर दो बिंदु लगा दिए ए और बी, उनके बीच में दूरी ले ली आपने डी, मेज कहीं भी खींच रहे थे, कुछ भी करते रहो, ए और बी के बीच में दूरी नहीं परिवर्तन होगा। ये कब हो सकता था, जब कैसी बॉडी हो, दृढ़ पिंड हो। दृढ़ पिंड में क्यों, क्योंकि सर मैं जानना खुद खींचेगा तो है ना, घटेगा ना खींचेगा तो आपका रिजिड है, तो रिजिड में ही जब आप बल सीधा लगाते हो बच्चों, यहाँ वी का मान, विस्थापन और त्वरण, बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों ही चीज सेम रहती है। जब कैसा मोशन हो, सीधी रेखा का मोशन हो, चाहे बच्चों ऊपर से नीचे जाओ, चाहे यहां जाओ, चाहे तिरछा जाओ, लेकिन ए और बी के बीच में जो दूरी आपकी डी है, सेम रहेगी, क्योंकि आपकी कैसी बॉडी, दृढ़ पिंड है। जब आगे गए, यदि ए आपका 10 मीटर आगे गया तो बी भी आपका 10 जाएगा, विस्थापन बराबर रहेगा। यदि बच्चों ए की गति आप बोलते हो 10 मीटर प्रति सेकंड, इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, सेम त्वरण भी। यहां बच्चों आपका ए बी, वी बी और आपका डी भी सब सेम रहता, लेकिन जब आप घूर्णी गति करते हो बच्चों, तो यहां एक वर्ड आएगा थोड़ी देर में, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जिसके अबाउट सारी चीज चक्कर काटते होंगे। जैसे और अच्छे समझाया, जैसे अपने घर पे पंखा होता है बच्चों, ऐसे पंखा है, पंखा अपना ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, सिंपल सही है क्या, पंखा रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट घूमता है पंखा, किसके अबाउट घूम रहा है सर, जो अपना ये एक्सल होता है ना, इसके अबाउट घूमता है ये, ऐसे डंडा ऐसे पंखा चक्कर लगा रहा है। तो सर जब घूर्णन आपका होता है, घूर्णी गति जब होती है, तो आपका घूमता है, घूमने में क्या सेम रहता है, आपको बता चुका था मैं, ओमेगा का और अल्फा का मान जो बच्चों सेम रहेगा। ओमेगा क्या था बेटा, आपका था घूर्णन वेग था, कोणीय वेग था, और कोणीय आपका त्वरण था, वो मैं आपको बता दिया था। कैसे सर, यहाँ वी समान हो सकता है क्या, वी का वैल्यू सेम होगा क्या ए और बी के लिए, नहीं, क्यों सर, यदि घूमेगा तो ओमेगा तो आपका समान है, और ए और बी की दूरी तो अलग अलग हो सकती है ना बेटा, हो सकता है इस लाइन से ए 10 मीटर हो, ये इस लाइन से 1 मीटर दूर हो, तो वी का मान क्या था, आर ओमेगा, आपका ओमेगा सेम है क्योंकि आर का मान अलग अलग है, इसलिए बच्चों यहाँ वी अलग अलग होता है। दो बातें और बताता हूँ बच्चे, पंखे की आपने, मैंने ऐसा बोला था बच्चों, जब आपको मैंने सर्कुलर पढ़ा था, वृत्तीय पढ़ा था, कि बच्चों एक वेक्टर होता है आपका अक्षीय सदिश, जो आपका अक्ष के अलग लगता है, अक्ष के साथ साथ लगेगा, ओमेगा और अल्फा उसका एग्जांपल मैंने बताया था, चाहे ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा, यदि ऐसे रोटेशन है तो अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, कहीं जा सकता है। तो बच्चों ऐसी ही एक काल्पनिक लाइन जिसके चारों तरफ सारे पार्टिकल घूमते हैं, उसका नाम होता है बच्चों आपकी घूर्णन का एक्स, घूर्णन का अक्ष बोला तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसका ऊपर घूमने लगे उसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष। सही है क्या, दो एक लाइन में लगवा था अलग अलग, पहले दो डिफरेंस आने चाहिए। पढ़ाई करूंगा सर मैं दृढ़ पिंड की, कोई परिवर्तन नहीं होगा सर। ट्रांसलेशन में घूर्णन में क्या अंतर है सर, यहाँ वी डी और ए समान होता था, यहाँ वही चीज आ रही है, ओमेगा और अल्फा समान, लेकिन वी का और ए का मान अलग अलग हो सकता, कैसे, क्योंकि सर आर अलग अलग है, इसलिए आपका हो सकता है। सही है क्या, एक लाइन आपने पहले लिख ली ना, ऐसे अंतर लिखो, ट्रांसलेशन में एक लाइन, घूर्णी में एक लाइन, फिर आप ये डायग्राम बनाना। ट्रांसलेशन को बोलने को सीधी रेखा ही बोल दो, गलत हो जाएगा, कई बार तिरछी बजाय कहीं जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसलेशन में नीचे लिखो बच्चों, इस गति में विस्थापन कोमा
वेग, बच्चों मैं वेग बोल रहा हूं, गति नहीं, वेग भी समान है, सोचो है ना, विस्थापन कोमा वेग और त्वरण का मान, और त्वरण का मान हर कण के लिए समान होता है, हर कण के लिए समान होता है, उसमें घूर्णी गति में लिखो आप, इस गति में कोणीय विस्थापन, देखो बेटा कोणीय विस्थापन बोलना सही है क्या? बिल्कुल सही है, थीटा का मान भी सेम रहेगा। इस गति में कोणीय विस्थापन ब्रैकेट में आपका आ जाएगा थीटा, कोणीय गति और कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण हर कण के लिए समान होता है, हर कण के लिए समान होता है। घूर्णी गति में नीचे स्टार लगा के, घूर्णी गति में एक पॉइंट और आएगा स्टार लगा के, इस गति में घूर्णी में लिखना, इसके नीचे है यही लिखना, गलत लिखना है, इसके नीचे यही लिखना है ऐसे, इस गति में वेग और त्वरण का मान, वेग और त्वरण का मान अलग अलग कण के लिए अलग अलग हो सकता है। कब अलग अलग हुआ सर? आर का मान अलग है तो अलग अलग हुआ, सही है क्या? ये दोनों एक बार डायग्राम ऐसे ही बना लो बच्चों। ये लाइन क्या बनी हुई है, ये क्या होता है आपको थोड़ी देर में और समझाता हूँ। ऐसे लिख के ओमेगा अल्फा बराबर किसमें? घूर्णी में। ए वी और डी समान किसमें? ट्रांसलेशन में। ये दोनों डायग्राम आप बनाओ, दो दो लाइन और लिखाऊंगा। बनाओ बच्चों आपने, बेटा आप लिखो घूर्णन अक्ष, उसको बच्चों मैं आगे ए ओ आर बोलूंगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक बार लिखवा देता हूँ उसको मैं, घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष ब्रैकेट में ए ओ आर आप लिख लो, उसके बाद में कई बार ए ओ आर बोल दूंगा, क्योंकि बच्चों जब भी आपको घूर्णी देखना तो सबसे पहले आपको ए ओ आर ही देखना पड़ेगा। बच्चों ए आर क्या है? जैसे बच्चों इसमें मैं बोल रहा हूँ, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, जो आपका पंखे का ऊपर वाला पाइप है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और एग्जाम्पल आप बताओ, कार चलती, देखिए बेटा आपने, आपने बच्चों कभी भी कार का मोशन देखा है? ऐसे ऐसे अपनी कार, और ये ऐसे आगे जाती है, जब ऐसे जाएगी तो कार का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ट्रांसलेशन में आगे जाता है, लेकिन पहियों को आप देखो बच्चों, पहियों को आप देखोगे तो गाड़ी का जो एक्सल होता है उसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है। सर पहिया घूम रहा, घूर्णन कर रहा है, तो घूर्णन अक्ष कहाँ होगा? सर इसमें कौन सा है? जो आपका एक्सल है वही घूर्णन अक्ष है, उसी के चारों तरफ पहिया आपका घूम रहा है, सही है क्या? तो आपने कहा दोनों एक एग्जाम्पल आते, कहीं भी जहां भी आपको रोटेशन दिखाई देगा, जहां भी घूर्णन दिखाई देगा, तो वहां आपको दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सर घूर्णन अक्ष कहाँ है? क्या ये हमेशा बॉडी के ऊपर होता है, या कभी कभी सर ये वस्तु से बाहर भी हो सकता है? सेम लाइन में सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के लिए बोला था, द्रव्यमान केंद्र बच्चों वस्तु के ऊपर भी हो सकता है और बाहर भी, जैसे रिंग में बाहर था, रिंग के ऊपर तो बाहर था कहीं। एक लाइन और लिखो, यह एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक कॉन्टर लाइन करना, यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों तरफ दृढ़ पिंड के कण घूमते हैं, इसके चारों तरफ दृढ़ पिंड के कण घूमते हैं। एक लाइन और लिखो बच्चों, यह रेखा वस्तु के ऊपर या वस्तु से बाहर हो सकती है, यह रेखा वस्तु के ऊपर या वस्तु के बाहर हो सकती है। बच्चों एक बार यहां देखो बेटा, मैं आपको समझा बच्चा, मैं घूर्णन वाली बातें करूंगा, चीज वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, चीज वही है बच्चों, वहां सीधा बल पढ़ा था, मैं घूर्णन बल आपको बढ़ाऊंगा। तो आपने पहले संवेग पढ़ा था एम गुणा में वी, यहां मैं आपको घूर्णन संवेग बताऊंगा, सही है क्या? चीजें वही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। देखो बेटा एक बार, या कोणीय संवेग भी बोल देते हैं बेटा उसको, घूर्णन बोल लो आप, कोणीय बोल लो, है ना, रोटेशनल संवेग बोल रहा हूँ बच्चों, मोमेंटम बोल रहा है इसको, बच्चा होता आप कोणीय बोल लो बेटा, तब भी कोणीय संवेग में मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोणीय संवेग भी वही है जो हमें यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन घूर्णन तो घूर्णन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो एक बार बच्चों, एक सीधी सीधी एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो दो मिनट पाँच मिनट आप समझना अच्छे से। बच्चों टॉर्क होती क्या है? एक बिंदु होता बच्चों अबाउट, आपको दो चीज दिए मिलेंगी कि एक बल है, बल का मान 10 न्यूटन है, ये ए बिंदु पे लगा हुआ है, बी बिंदु के अबाउट या बी बिंदु के सापेक्ष आप घूर्णन बल ज्ञात करें, ऐसा आपको बताएगा, आपको दो बिंदु देगा, एक जहां बल लगा हुआ है, एक बिंदु ऐसा जहां से आपको मान निकालना है। तो एक होगा बच्चों अबाउट, जिसके चारों तरफ घूमेगा, और एक होगा बच्चों एट, एट और अबाउट में ऐसे लिखता हूं जैसे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, एट में जहां पे बल लगेगा, अबाउट बेटा जिसके चारों तरफ आपको घुमाना है। एक बात सेम कहानी यहां भी ऐसे ही होगा बेटा, एक होगा आपको अबाउट और एक होगा एट, अभी ऐसे ही लग रहा आपको आसान सी चीज, थोड़ी देर में इसको खतरनाक बना दूंगा मैं। बिंदु का नाम लिख दिया, इसका ए और इसका बी, इसका ए और इसका बी, देखो बेटा एक बार ऐसा कोई बल लगा हुआ है,
एफ है और ये कोण जो है थीटा है, एफ और ये कोण जो है बच्चों आपका थीटा ऐसे दिया हुआ है बच्चों। बी के ऊपर ऐसा कोई संवेग है पी उसका मान है और ये आपका थीटा है। आपको बोलता है घूर्णन बल या घूर्णन संवेग आप ज्ञात करो। सर होता क्या है ये चीज, घूर्णन होता क्या है? बल तो मैं जानता हूं ऐसे खींच लिया बल है, ये क्या है बच्चों? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये फोर्स या बल के कारण जो घुमाव पैदा होता नहीं है उसको दर्शाता है। या बच्चों ये जो संवेग के कारण जो आपका घुमाव पैदा हो सकता है उसको दर्शाता है। एक बात तो ये हुई, इसका मतलब क्या है? जैसे बच्चों ये मुझे कोई बल ऐसे पड़ खींचते मैं सीधा जाता, अब मैंने ऐसा हाथ कर रखा है ऐसे डंडे जुड़ा हुआ और वहां मुझे कोई खींच रहा है तो मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगा, ऐसे कोई खींच रहा मैं ऐसे चक्कर खा जाऊंगा, समझा क्या? ये बल तो मैंने सीधा लगाया तो लेकिन ये आगे जाने के बाद मुझे क्या ऐसे घुमा भी सकता, पकड़ के ऐसे घुमा रहा। ये बच्चों टर्निंग इफेक्ट बताता है। जैसे मैं इसको पकड़ के गेट को, अब देखो बल तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, बल तो सीधा ऐसे लगा रहा हूँ ना, ऐसे जाके जाना चाहिए सर, हमने बोला जहाँ बल लगे वहाँ जाएगा, क्योंकि एक जगह फिक्स है इसलिए ये जाने के बजाय क्या कर रहा है खुल रहा, जो गाना है घूमने लग गया। तो ये बल का घुमाव दर्शाने के लिए कोई चीज है। क्या होता देखो बच्चों, फॉर्मूला सिंपल है, ऐसा लिखा जाता है इसको घूर्णन बल को आर क्रॉस में एफ। अच्छा सुनते रहना बेटा, इसको लिखा जाता सेम टाइप की चीज है बच्चों, ये भी आर क्रॉस में पी। सर ये आर क्या है? आर एक विस्थापन सदिश है जो आपको बी माइनस ए लेना है। आर एक विस्थापन सदिश, सर अलग से मेंशन किया, आर हमेशा आपको एट माइनस अबाउट लेना बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एट माइनस अबाउट कहां बल लगा है, इस बिंदु से कहां तक है वहां तक लेना है। यहां से यहां लगा तो यहां से यहां लोगे तो क्या लोगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, कैसे चलोगे? वही तो मैं ले रहा हूं। ठीक बात सर, आर क्रॉस पी सर मैं कैसे निकालू? सरल कर रहा हूं, अब इस चीज को मैं कार्य से जोड़ रहा हूं बच्चों, से सुनना। कार्य में क्या करता था बच्चों, तुम्हारी मर्जी है, आर निकालना सीख ले बेटा आपने कैसे निकालना है, ए से बी जाना कैसे करोगे, बी माइनस ए, वही तो मैं कर रहा हूं अबाउट एट माइनस अबाउट। दोबारा देखो आप सर, आपको कार्य की तरह जोड़ो कैसे करोगे, मैंने ऐसे कार्य बोला, आप देख लो, आप सोच लो, ऐसा घटक लो बल का या विस्थापन का जिसको लेना आसान है, बल का घटक लो विस्थापन में, सीधा गुणा कर लो, सेम दिशा में है एक ही दिशा में है तो आप सीधा पॉजिटिव आ गए गुणा कर दो और विपरीत दिशा में तो माइनस, ऐसे किया था सेम यही कहानी यहां करता हूं। बेटा आपकी मर्जी है, आप बल का घटक लो या आर का लो, जैसे बल का घटक में लेता हूं ये क्या बन जाएगा एफ कोस थीटा, यहां क्या बन जाएगा बेटा एफ साइन थीटा। अब आपको मैं क्या बोलता हूं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको लाइन वाला नहीं लेना, आपको लंबवत लेना है, आर उसके लंबवत, चाहे तो बच्चों को आप ऐसा लिख लो बेटा आर और एफ ले लो इसका लंबवत वाला घटक, तो तब भी क्या बन रहा बेटा आर एफ साइन थीटा, सही है क्या? दो बार ऐसी बात को फिर सोचते हैं सर, ऐसे मत लो सर मुझे मैं लग रहा कि एफ लेना मेरे लिए मुश्किल है, इसमें मान लो आसान वैसे तो हम क्या करेंगे, एक काम करो सर इसके पीछे बढ़ा लो, लाइन ऑफ एक्शन आप पकड़ लो, कहां पे बल लगा वो लाइन देख लो और इस बिंदु से लंबवत डाल दो। फिर मैंने क्या किया कि आप बल को मत छेड़ो, बल को तो वही ले लो आप जैसा है, लेकिन आप आर का जो है लंबवत वाला घटक ले लो, आर का लंबवत वाला लेकर देखो सर ये थीटा है तो ये भी थीटा, जहां दोनों कोण बने होते हो क्या होता बच्चों आधार, जहां दोनों कोण बने तो क्या होता बेटा आधार, और कोण के सामने क्या होता लंब होता जानते हो क्या, और ये क्या ये आर है और आर क्या बच्चों यहां कर्ण है सर, जिसके साथ कोण बना हुआ क्या है आर कोस थीटा, जिसके साथ नहीं बना हुआ क्या बेटा आर साइन थीटा, देखो फिर वही बन गया आर साइन थीटा इंटू एफ, अरे बन तो वही रहा घूम फिर गया एफ आर साइन थीटा, इसलिए तो हमने आर क्रॉस एफ लिखा है, लेकिन मैंने क्या किया हम आपको ऐसा रट्टा नहीं मरवा रहा बेटे कि इसको बच्चों आप आर एफ साइन थीटा आर एफ ऐसा नहीं मरवा रहा, मैंने क्या बोला समझाया आपको लॉजिक देखना कि तो शानदार बिठाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा बार बार बच्चों आर आपको देखना आता, हाँ सर कैसे सर एट माइनस अबाउट, एट से पकड़ना और अबाउट तक मिलाना है, फिर आपकी मर्जी घटक किसका लेना चाहते हो, आर का घटक लो आपकी मर्जी, एफ का लो आपकी मर्जी, लंबवत वाले से गुणा करो तो अपने आप उत्तर आ जाएगा, सही है क्या? सर धनात्मक आ गया ऋणात्मक को नहीं समझाओगे, थोड़ी देर में समझाऊंगा, फिलहाल आपको सिर्फ मैं वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। सेम कहानी आप लिख सकते हैं बेटा, चाहे तो आप आर को परपेंडिकुलर ले लो पी सीधा ले लो, या बेटा आर सीधा लेके पी को परपेंडिकुलर ले लो, बात समझ में आई? ये यहां तक लिखो, दो एक बातें और लिखवाता हूं, सवाल करवाऊंगा तो डेंजरस है जो आप नहीं कर सकते, तो उसको मैं चुटकियों में कार्य याद है तो मैं नहीं याद भैया कार्य क्या था, जो सवाल मैं शुरू में करा रहा था ना वो बड़े मुश्किल तरीके में सीधा करवा सकता था उसको, यहां से सवाल बनेंगे डेंजरस, वरना मैं आपको आर वेक्टर दे दूंगा तुम एफ ले लो गुणा करना तो मैं पहले ही आता, मेरी क्या जरूरत है फिर, अरे क्रॉस प्रोडक्ट तो तुमने वेक्टर में ही सीख रखा है, बना बच्चा आपने देखो। अच्छा सवाल मैं आपको सीधा इसकी वजह से सवाल बना के खाता हूँ सर, अभी क्या बोलना चाहते हो, कभी एफ को तोड़ रहे कभी आर को,
वो करिए वाले मैं आपको समझा था बच्चों, जो हमें आसान पड़ेगा उसको हम तोड़ लेंगे। शरीय सिखा लंबो से गुना करना, क्योंकि दिशा निकालना तो मैं आपको वैसे सिखा दूंगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको सिखा दिया मैंने, ए क्रॉस बी है, ए के ऊपर हाथ रखो बी की तरफ घुमा दो, जो हमको उठाएगा वो दिशा बताएगा। ये आपको मैंने सदिश में बताया होगा, बनाया बच्चा आपने, देखो एक बार बच्चों सवाल देखो आप। मैंने क्या किया बच्चों, सिंपल प्रोजेक्टाइल सवाल है, यू गति से थीटा एंगल से आपने एक बॉल को फेंका, इसका मैंने बोल दिया ए बिंदु है, आपको दो बार बताया कि आप घूर्णन बल ज्ञात करो, आपको बोला बच्चों आप घूर्णन बल ज्ञात करो कब कब, जब जब आपका कर्ण अधिकतम ऊंचाई पे है, जब आपका बल अधिकतम ऊंचाई पर है, एक बात अधिकतम ऊंचाई पे है, लिख लेना आप यार, एक तो ये आ गया और एक आपको बोल दिया जब घूर्णन जब बताओ, जब ये धरती से या जमीन से टकराता है एक उस टाइम बताना है आपको, इसका बताना बच्चों घूर्णन बल। देखो बच्चों जब सवाल सामने आता ना कि सर ये लो ऐसे जाके गिरेगा, एक बार आपको इस बिंदु पे जब बताना बी के ऊपर, एक या सी के ऊपर जब बताना है, निकालना हमेशा ए के सापेक्ष है, आपको घूर्णन बल बताना। देखो मैं कैसे सोचता, सर आर क्रॉस एफ है, अरे लगा लो कैसे लगाओगे, फिर आर क्रॉस एफ है लगा लो कैसे लगाओगे, आपको पता कैसे सोचना पड़ता, सर आर एक आपने क्या बोला बी पर है, तो आपने ऐसा सिखा दो सर एड से अबाउट ऐसे जोड़ लो, और इसका फिर आप कोऑर्डिनेट आई जे में लिख के देखा कि तो खतरनाक बन जाएगा, रेंज बटे में टू, अधिकतम ऊंचाई जे कैप में या आई में, गुणा करो क्रॉस में, मुश्किल बन जाता। इसकी वजह मैं बता रहा कैसे करूँ बच्चों, अब सर बी बिंदु के ऊपर आप बल जानते हो, जब बी बिंदु पे कोई एम दरोमान बल जानते हो, हाँ कितना बल लगेगा बेटा एम जी, सही है क्या बच्चा, एम जी लग गया तो क्या सर आप बल की रेखा को आगे पीछे बढ़ा लो, बढ़ा ले, अरे इस बिंदु से यहां लंबवत दूरी निकाल सकते हो आर बटे में दो, तो अब घूर्णन बल क्या आ जाएगा एम जी गुणा में आर बटे दो, बात समझ में आई है। दोबारा देखो सर एक काम करो, जब ये जमीन में वापिस टकराने ये और निकाल के दिखा दो, ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी और सी, जब ये सी पे आना बेटा सर सी के ऊपर बताओ आप क्या आया घूर्णन बल, आपको बताना है सही। फिर मैं पूछता हूं बच्चों सी के ऊपर जब कर्ण आया तो बल कौन सा लग रहा सर एम जी, कैसी दिशा में, नीचे की दिशा में, सही बताया क्या, ए बिंदु से इस लाइन की दूरी बता सकते हो आर, तो बच्चों यहां क्या आ जाएगा एम जी गुणा में आर, ये बात पकड़ में आई आपको क्या कर रहा हूं मैं, अरे मैंने क्या किया है जिस बिंदु पे निकालना है जहां पे बल लगा हुआ है उस बल की लाइन को आगे पीछे बढ़ा लो, जिस बिंदु से निकालना वहां तक लंब दूरी ले लो उत्तर आ जाएगा, बात खत्म। आर की वैल्यू आप जानते हो बेटा एम जी यू स्केयर बटे में जी साइन टू थीटा, यहां भी आप जानते हो बेटा एम जी डिवाइड बाई टू तो है ही, यू स्केयर जी साइन टू थीटा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, बात पकड़ में आई बच्चों आपको। दोबारा आप थोड़ा सुनो सर, प्लस है कि माइनस है, ऋणात्मक है कि धनात्मक, आप बताओ, आप वैल्यू निकालना सीखे बच्चों, मैं आगे जा रहा हूं बेटा, मैं क्या करना सीखा सर एफ का लाइन बना लो आगे पीछे, जिस बिंदु से निकालना उसमें लंबवत दूरी लो, आंसर अपने आप आ जाएगा, यहां तक एम जी ऐसे तो दूरी क्या आर बटे दो, तो आर बटे दो ले ली सर, यहां तक दूरी क्या आर तो आर ले ली, अब मैं बताऊं धनात्मक या ऋणात्मक। बच्चों आपको एक बात और समझाई थी मैंने, वेक्टर में सदिश को चाहे आप ट्रांसलेट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जहां पे एक्सिस थी चाहे ट्रांसलेट करो चाहे रोटेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बताया था मैंने आपको, वेक्टर को रोटेट करो तो बदल जाएगा, समझे क्या इसका मतलब, क्या बोलना चाहते हो, जब यहां पे है तो बल कैसा लगा हुआ बच्चा, ऐसा लगा हुआ बेटा, बल कैसा लगा हुआ, ऐसा लगा हुआ बच्चों, यहां से देखा तो आर की दिशा कैसी है सर, ऐसी आर की दिशा कैसी बच्चों, ऐसी सर, वहां क्यों बना रहे हो बच्चों, मैं जानता हूं टेल से टेल मिला के मुझे दिशा देखनी आसान है, तो आर को मैंने ऐसा रखा कहीं ले ला कोई दिक्कत नहीं, एफ को ऐसा रखा कोई दिक्कत नहीं, अरे आर क्रॉस एफ, आर के ऊपर हाथ रखा एफ की तरफ घुमा दिया अंगूठा, क्या क्या अंदर की दिशा में, अंदर की दिशा में क्या, तो मैं क्या बोलूं बेटा कैसा है ऋणात्मक। दोबारा देखो सर, एक काम कर लो हाथ ऐसे रख लो ऐसे, और ऐसे की बजाय ऐसे कर दो आप, तब क्या दिक्कत है, बाहर आ जाएगा, ना ना ना, पहले वाले वेक्टर के ऊपर हाथ रखा जाएगा दूसरे की तरफ घुमाया जाएगा, एक रोज बी में समझा था बेटा, ए के ऊपर हाथ रखो बी की तरफ घुमा दो सर ऐसी दिशा है, क्या था क्या, आर क्रॉस एफ कर रहा था आर के ऊपर हाथ रखा एफ की तरफ घुमा दिया ऐसे अंदर गई है। दोबारा देखो सर, यहां भी ऐसा ही कुछ है कि हाँ बल तो इसी दिशा में है, आर भी कैसा ऐसा ही है सर, तो आर क्रॉस एफ आप बनाओ कहां जाएगा अंदर, तो ये भी कैसा आएगा ऋणात्मक। अब आएगी, अब आपको समझ में आती है और अच्छे से, इसी सवाल के लिए मैं घूर्णन संवेग निकालता हूं, इसी सवाल में आपसे पूछा एक काम करो जब आपने घूर्णन बल निकाल दिया तो, क्योंकि मैं जानता हूं कर्ण एम है उसका द्रव्यमान एम है और कुछ उसका वेग भी है तो संवेग भी होगा,
तो घूर्णन संवेग आप बताओ, घूर्णन संवेग आपको बताना है। वही दो कंडीशन आपको बना दी मैंने, एक बार जब ये यहां बेटा ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, यहां पे आपको बनाना है। और बच्चों ये आपका ए बिंदु है और ये आपका सी बिंदु, इसके आपको बनाना है। सवाल मैं कैसे करवा, मैं सोचता हूं सर कैसे सोचूं, आर क्रॉस पी, क्या पी जानते हो, पता नहीं सर क्या होगा, क्या आर मैं बना सकता, नहीं बना सकता भाई, मेरे लिए मुश्किल है। दूसरा तरीका सोचते हैं, दूसरा तरीका ये सोचा बच्चों, यहां गति कैसी होती थी, यू कोस थीटा इस दिशा में, तो संवेग क्या होगा बेटा, एम यू कोस थीटा, ये एग्री करते हो, इतना तो मानते होगे। यहां क्या होती थी बच्चों, गति एम यू और कोण थीटा, तो जितनी से जाएगा उतनी से टकराएगा, ये भी आपको बता रखा था, ये भूल गए होगे आप, पर ये याद आपको मैंने बताया था, बताया था यू कोस थीटा ऐसा कैसा रहता बच्चों, ये यू साइन थीटा ऐसे गया तो नीचे भी यू साइन थीटा ऐसे ही बनेगा। अच्छा एक काम करो सर, वहां बल था तो मैं बल की लाइन मिला के और नीचे गुणा कर देता था, यहां संवेग है तो संवेग की लाइन को आगे लेके जाओ और इस बिंदु से लंबवत दूरी गुणा कर दो, नहीं कर सकते क्या ऐसे, तो मैंने बोला या तो संवेग को तोड़ लो या तो आप सीधा सीधा दूरी को तोड़ लो, संवेग ऐसा है दूरी ऐसी है, सीधी दोनों लंबवत गुणा कर दो, सर क्या बन जाएगा, एम यू कोस थीटा गुणा में दूरी कितनी है, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई आपको याद करा लो कैसे लिखते थे, प्रोजेक्टाइल में अधिकतम ऊंचाई कैसे लिखते थे, अधिकतम ऊंचाई और समय सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर वाले घटक पे डिपेंड करता है, u sin थीटा पे, तो वहां आता था पहले u स्क्वायर बटे में 2g जब सीधे फेंकते थे, अब यहां क्या u sin थीटा, तो क्या बन जाएगा mu cos थीटा ऐसा का ऐसा, और ये बनेगा बेटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे में 2g, याद है क्या सर, एक बात आप बता दे मजा आ जाए, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, फिर मुझे चिंता ही नहीं है। अब जो दो चीजें जानते हो बना लो, एक तो ये है कैसा p की ऐसी दिशा है, इस बिंदु से ऊपर गए आर ऐसा ही बनेगा, इस बिंदु से इस लाइन तक ऊपर जाना पड़ा आर ऐसे ही बनेगा, आर क्रॉस पी कैसी फिर आ गई बच्चों अंदर, दोबारा इसका देखो सर आपकी बात में कुछ कुछ समझा, एम वी की लाइन बढ़ा लो और गुणा कर लो ऐसा, सर ये तो मुश्किल लग रहा है सर, ये कैसे निकालो, नहीं आता, ये कैसे निकालू नहीं आता, बस दोबारा सोचते हैं। अरे क्या मैंने बोला हमेशा आप एम यू आप आर को तोड़ लो, नहीं बोला, जो तुम्हें सरल लगे उसको तोड़ लो बच्चे, यहां मेरी ख्याल से इसको तोड़ पाना ज्यादा आसान है, ये कितना है एम यू कोस थीटा और ये कितना बेटा एम यू साइन थीटा, ये लाइन आ गई, अरे अब दूरी देखनी आसान है क्या, ये एम यू साइन थीटा ये क्या आर, क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, यहां पे संवेग आप निकालोगे तो एम यू साइन थीटा गुणा में आर, सही है क्या मास्टर, एक काम कर इसको उल्टा प्रूफ कर दे, उल्टा प्रूफ करके दिखाता हूं बच्चे, नहीं मैं इसको नहीं तोड़ के यहां बनाता था, ये क्या होता था आपका आर, ये क्या लंब हुआ था, ये थीटा दिया भी क्या होता थीटा, तो इसके वजह से बोलना पड़ता सर ये आपका कारण है, ये आधार है आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो फिर क्या बोलता मैं एम यू गुणा में आर साइन थीटा, बात तो वही बन रही है, तो बात तो वही बन रही है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मुझे आसान तोड़ूंगा, क्या इसकी दिशा बता सकते हो, हाँ कैसे बताऊंगा सर, एक तो आ गया संवेग, एक तो आ गया संवेग और इस बिंदु से इस दिशा में एक आ गया आर, और आर गुणा में पी क्या बनेगा बच्चों, सर आर क्रॉस पी अंदर की दिशा में क्या बन जाएगा ऋणात्मक, सर हमेशा ही ऋणात्मक होता है क्या, पता नहीं आगे देखेंगे, या बनाओ इनको सवाल करेंगे, इन सवालों को आर क्रॉस एफ से तुम नहीं कर सकते, क्या बिल्कुल नहीं बनेगा, बन जाएंगे आप आई और जे कंपोनेंट ले गुणा करते हो इतना लंबा हो जाएगा, आंसर वैसे ही आएगा। एक सवाल ऐसा कराऊंगा देखना आप उसमें, फिर बच्चों मैंने ऊपर आर एफ बनाया वो समझ पर कैसे बना दिया मैंने, वो सदिश को कहीं लेके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा सेम रखनी है और दोनों की पूंछ मिला के ही आप रोटेशन देख सकते हो, आर क्रॉस ए क्रॉस बी करना है, बी क्रॉस ए करना है। अभी थोड़ी देर में कुछ समझा दूंगा बेटा, प्लस माइनस देखना पड़ा ना अपने को बार बार, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सीधा ही मैं बता दूंगा, बल देखा और उत्तर आएगा, बल देखा और उत्तर आएगा। प्रोजेक्टल की एप्लीकेशन यहाँ भी किया मैंने, कॉलेज में भी करवाया था बच्चों, आपको याद होगा टिप्पा खाकर जाने वाली बोल उत्तर आता है, एक टिप्पा खाया तो आर था, दूसरा खा लिया तो वन प्लस ई हो गया, तीसरा खाएगा तो वन प्लस ई स्क्वायर, एक और खाएगा ऐसे बढ़ता जाएगा ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद था, एक एक टप्पे के बाद कितनी हाइट जाएगी, ई स्क्वायर गुणा में एच, दो टप्पे के बाद ई गुणा में ई की पावर चार गुणा में एच, है ना बेटा आपको याद होगा, बना बच्चा आपने ये प्लस माइनस वाला झंझट थोड़ी देर में खत्म ही कर दूंगा अगले स्टेप पे में, वो आपको अलग से बना बना के देखना नहीं पड़ेगा। ये भी सवाल है, आपने घूर्णन संवेग निकाला है, ए बिंदु के अबाउट निकालना अलग अलग बी और सी से, हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट की बच्चों अभी बात याद कर लेना बेटा, पहले वेक्टर भी हाथ रखूंगा दूसरी तरफ घुमा दूंगा, अंगूठा जो है आंसर देगा क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आएगा डायरेक्शन, बच्चों मैग्नेटिज्म में बार बार काम आएगा, यहाँ का जहाँ भी क्रॉस का आपकी एप्लीकेशन आप पढ़ोगे ना तो मैग्नेटिज्म में काम आएगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन में काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन निकालने का वही तरीका, उसको और आसान कर लेंगे बाद में पाम रूल से। बना बच्चा आपने।
जेई में कई बार पूछा सवाल है, सोल्व नहीं करना पड़ता इसको, जितना मैं करा देते हैं सोल्व नहीं करते आप। आपने यदि देख रखा ना, आप सीधा एमयू बनाते हैं और सीधा गुणा करके ये उत्तर लो सर। इसके ऑप्शन बहुत डेंजरस होते हैं, जब देखना बेटा क्या बन जाएगा। एमयू पावर 3 में कोस थीटा साइन की वर्ग है, बट बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन होता है इसका। देखो बेटा मैं कर्ण बोल रहा हूँ, एक्चुअली पिंड की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ शेप की बात कर रहा हूँ। देखो एक बहुत बढ़िया सवाल, सिंगल स्टार और PMT लिखो, इस चीज़ का आपको यूज पता चलेगा अभी ऐसा क्यों करना पड़ रहा था मुझे। एक किलो का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, एक किलो का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, देखो एक बार सामने लिखा हुआ, y = x + 3 सरल रेखा पर चलता है। सामने लिखा बेटा, y = x + 3 सरल रेखा पर चलता है। एक किलो का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड गति से, सामने लिखा हुआ बाकी, y = x + 3 सरल रेखा पर चलता है। इस पिंड का कोणीय संवेग मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करें। बच्चों ये जब सवाल आता है ना तोते उड़ जाते हैं, अब किया क्या जाए यार, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ आर क्रॉस पी। पहला सवाल आपसे पूछता हूँ सर, कोणीय संवेग हम जानते हैं आर क्रॉस पी या आर पी साइन थीटा का टर्म ने मारा हुआ है, क्या पी निकाल सकते हो? हाँ सर, पी गया u दिया हुआ आंसर दोनों को तो निकाल दूंगा मैं, m भी दिया v भी दिया हुआ, क्या आर निकाल पाओ? नहीं निकाल पाएंगे। सवाल का फिर मैं क्या करूंगा सर, यदि ऐसा कुछ बन जाए ना, ये रेखा दी तो पहले रेखा बना लो। रेखा बनाने का सरल तरीका क्या था, एक बार बच्चों इतने देखेंगे, एक्स का मान 0 है तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 3। जब वाई का मान 0 है तो एक्स का मान क्या जाएगा, -3 है, तो साइड 3 ही ना उसकी लंबाई। तो बच्चे कोण आप बता दो कितना कोण है, अरे कोण बताने में क्या सर, टेन थीटा कितना आ जाएगा, लंब बटे में आधार 1 आ गया सर, थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, सही है क्या? बच्चों एक बात और समझ गए होगे सर, इसी लाइन पे ऐसे जा रहा हूँ, m × v का मतलब 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। आपको मैंने क्या सिखाया बच्चों, जहां से निकालना है या तो इसका कंपोनेंट ले लो या तो इसका ले लो। तो आप ये काम करो सर, यदि ये मुझे दूरी मिल जाए तो उत्तर आ जाए, अरे मूल बिंदु से इस लाइन की दूरी आप ले लो तो आपकी आंसर आ जाए, या बच्चों इसको तोड़ लो तब भी उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि 3 मैं जानता हूँ, इसको तोड़ लो पता नहीं यार, दोनों को देखो तुम, अरे दो ना भाई मैं नहीं मानू, ये 5 है ये 45 है, तोड़ना बच्चों, इसको तोड़े क्या जाएगा बेटा, ये आपका 5 cos 45, ये भी कितना बेटा 5 sin 45, और 3 ये पहले ही है, और ये उत्तर आ गया इसका, ये उसका उत्तर आ गया बस। क्या दिशा बता दोगे? हाँ दिशा बताने में क्या, लो सर ये क्या है पी, और इस बिंदु से ये क्या है आर, आर यहाँ हाथ रखा पी की तरफ घुमा दिया, अरे आर के ऊपर हाथ रखा पी की तरफ घुमा दिया, आर के ऊपर हाथ रखा पी की तरफ घुमा दिया, क्या आ जाएगा, ऋणात्मक है, बात समझे हो? इतना सरल सवाल है ये, ऐसे नहीं करना चाहते तो एक काम करो सर, इसकी निकाल लो आप, मैंने क्या किया बेटा मोमेंटम को तोड़ दिया। अब आप एक काम करो सर, इसको पढ़ा रहे, आप सीधा लंबाई निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग से बना देता हूं मैं, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये 3 है ये 45 डिग्री, ये नहीं निकाल सकते क्या, निकल जाएगा सर, ये क्या आपका करण, ये क्या आपका परपेंडिकुलर, तो आपका आ जाए लंब बटे में करण, कितना होता है लंब बटे में करण, sin 45 डिग्री, और पी का मान क्या आ जाएगा 3/√2, एक्स आपके पास आ गया, ये आपको दिया हुआ 5 गुणा में, वो तब भी वही उत्तर आएगा, 5 गुणा में 3 तब भी आंसर वही आएगा सर, दिशा परिवर्तन हो जाएगा नहीं, इसके हिसाब से देख लो आर ये है पी ये आर क्रॉस पी तब भी अंदर है, बात समझे क्या बेटा? ये करने का बहुत सरल तरीका है ये वाला, इस सवाल को इससे आसान नहीं कर सकते आप, बना देखो आप, अरे ये उसका उपयोग है, पता नहीं किया तुमने पहले सवाल ऐसे, अरे ये बहुत बढ़िया सवाल आसान तरीका है बनाने का, तो इसका वेक्टर भी बना लेता बच्चों में, 0 0 1 बना लेता, दूसरा कोमा लगा के फिर मैं आर बनाता, फिर क्रॉस करता, बन तो वह भी जाता, वो कंपेरेटिवली लंबा पड़ता। चलो एक जो तुम्हें आता हो करवाता हूँ, आर क्रॉस एफ का तुम रट्टा मारते हो ना, PMT में 3 बार पूछा, जो मैं दे रहा हूँ भी PMT में पूछा हुआ है, वो सवाल पूरा तुम सोल्व करना, ये भी पूछे हुए हैं सवाल, ये PMT में नहीं JEE में पूछा सवाल है, लेकिन आसान सवाल कभी भी रिपीट हो जाएगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आप लिखो बच्चों, अरे बना लिया क्या, एक सामने लिखना फिर, एक एफ बल सामने लिख के, एक एफ का मान ये लिखो, एक एफ सामने लिख के बल मूल बिंदु पर अंडरलाइन करना बेटा, मूल बिंदु को, मूल बिंदु पर लगाया जाता है, इस बल का घूर्णन बल ज्ञात करें, इस बल का
ए बिंदु के सापेक्ष, देखो बच्चों इस बल का ए बिंदु के सापेक्ष, सामने लिखा है ए बिंदु के सापेक्ष घूर्णन बल ज्ञात करें। आप सोल्व करो, आर को सेव करना है, मूल बिंदु को और ए को अंडरलाइन कर लो, टाइम लो आराम से, थोड़ा सा सही उत्तर मुझे देना। घूर्णन बल के लिए दो चीज आपको चाहिए बेटे, आपको आर क्रॉस एफ चाहिए, तो जब आप ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो पहले आर वाली चीज आएगी फिर एफ वाली आएंगी, क्योंकि आप जानते हो घूर्णन क्या था बच्चों, आर क्रॉस में एफ, तो एफ तो आप जानते हो एक दो तीन, आर का मान मुझे बताना। वेरी गुड बच्चों, आर का मान आपको मैंने बोला था एट माइनस अबाउट, रट्टा मत मारना, यदि वरना आर आपको ऐसा रहता सर, जो सामने लिखा हुआ आपने एक ओरिजिन देखी ले लो सीधा, अरे आपका आर टू आई थ्री जे माइनस फोर ये नहीं है, आर का मान ये नहीं है, वो आपको भुका रहा है, समझे क्या, वो आपको चला रहा है, वो आपको ऑप्शन में माइनस फालतू मिलेगी, तुम बोलोगे ऑप्शन नंबर वही मेरा तो आया सही है, अब सही से सीखा ना, एट माइनस अबाउट, एट कहां बेटा, मूल बिंदु, मूल पे क्या होता है जीरो आई जीरो जे जीरो के, माइनस में दो आई तीन जे और चार के आ गया माइनस में, उत्तर करना क्या, आर क्या जाएगा माइनस दो आई माइनस तीन जे और जमा में चार के, बस समझे बेटा, अरे आर बनाना है महत्वपूर्ण, बाकी सवाल आसान है, माइनस दो इसके ऊपर पीएमडी लिखो सिंगल स्टार लगा के चार, बच्चों बाकी आपको मैंने सिखा था बेटा, जब आपने सदिश सीखा था आई जमा में जे आपका ऋणात्मक और के आपका जमा में, ऐसा बनेगा, और बेटा इस डायरेक्शन में आपको साइन चेंज नहीं गुणा करना, और इसमें आपकी आपका साइन भी चेंज होगा, देखो आई वाले को छोड़ दो तो थ्री गुणा में माइनस तीन माइनस नौ आ गया, दो गुणा में दो गुणा में चार आठ, लेकिन आपको साइन चेंज हुआ तो माइनस आठ, सही है क्या, जे में ये वाला छोड़ दो तीन गुणा में माइनस दो माइनस छः, एक गुणा में चार चार है लेकिन माइनस चार आ जाएगा, के को छोड़ दो दो गुणा में माइनस दो माइनस चार, एक गुणा में माइनस तीन तो प्लस तीन हो जाएगा, उत्तर देखो बच्चे ये आंसर बन जाएगा आपका फाइनल, आंसर बन जाएगा माइनस सत्रह आई कैप और प्लस दस जे कैप माइनस के कैप, देखो आपका यही बना हुआ शायद बच्चों, ये जब आप गलती सोल्व करते ना बेटा, आप बढ़िया होशियार लड़के हो, आपको गुणा भी करनी आती है, सही सोल्व नहीं करते ना, तो आपको उत्तर ऐसा आता सत्रह आई कैप माइनस दस जे कैप प्लस के कैप, ऐसा उत्तर आता एक माइनस फल, तो ऑप्शन नंबर ए होता, तो मॉड्यूल पलट के उसको काट देते, ऑप्शन ए सही है, मॉड्यूल में करेक्शन है, एक्चुअली दिक्कत कहां थी, एट माइनस अबाउट की आपने ढंग से देखा नहीं, दिक्कत यहां थी, समझे क्या, इसलिए बच्चों इस वाली चीज को आप लर्न में रखेंगे, लर्न में, समझे क्या, पीएमटी मार चुका बच्चों, डाटा कुछ अलग था लेकिन कंसेप्ट ये था, टॉपिक लिखो साम्य अवस्था, एक चीज आपको मैं पहले साम्य अवस्था ही पढ़ा चुका हूं, जब आप कुल बल को शून्य कर देते थे या हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल काट लो, वर्टिकल वर्टिकल, ऐसे हमने किया हुआ है, थोड़ा सा आपको अच्छे से और समझाता हूं बच्चों, ई वापस सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बल भी पढ़ा घूर्णन बल भी पढ़ा, तो सही पूछे तो साम्य अवस्था कब होगा, कुल बल भी शून्य लगा हो और कुल घूर्णन बल भी शून्य हो, वरना ऐसा हो सकता बच्चों, जैसे देखो मान लो एक बार ये, अरे आपने ऐसे सवाल किए होंगे, ये 5 मीटर है, एक यहां लगा रखा एफ 10 न्यूटन, यहां लगा रखा 20 न्यूटन और यहां लगा दिया 5 मीटर, आप बताओ टॉर्क क्या है, आपने ये किए होंगे एफ गुणा आर ऐसे कर, वो नहीं करना, वो तो सब जानते हैं एफ गुणा आर, अब मैं इसका सीधा आपको नोटेशन भी बता रहा हूँ बच्चों, साइंस देख लो, साइंस देखना मतलब सोचना, इस बिंदु के अबाउट आपको घूर्णन बल निकालना, मैं सीधा धनात्मक ऋणात्मक कैसे लगाना बता रहा हूँ, आप इसके अबाउट निकालना है, देखो बच्चों कैसा, इसके अबाउट देखोगे ये कैसा घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये कैसा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जब आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो, क्लॉकवाइज का मतलब बताओ बच्चों, यदि ऐसा रोटेशन है तो आप करो क्लॉकवाइज हाथ घुमा दो, क्लॉकवाइज रोटेशन कहाँ जाएगा, अंदर अंदर जाएगा, तो आपको बच्चों ऋणात्मक आपको साइन लेना है, जब भी आपको साइंस होगी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती है बच्चों ऐसे उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में क्या आएगा बच्चों, आप हाथ को घुमा के देख लो एंटी क्लॉकवाइज बाहर, तो आपको धनात्मक, तो ये तो आपको वो करते थे 10 गुणा में 5 कहाँ आया क्लॉकवाइज नेगेटिव है सर, ये 20 गुणा में 5 उल्टी साइड आ सर ये धनात्मक है 10 माइनस, वो तो सब कर देंगे बच्चों, ये टॉर्क आपको नहीं सिखानी, मुझे कुछ आगे सिखाना था, आगे देखो अब आप बच्चों, यदि ऐसी संभावना हो सकती है, ओ बिंदु है, एक बल लगा हुआ 10 न्यूटन या आपका 1 मीटर की दूरी पे है, एक बल लगा हुआ बच्चों यहाँ 10 न्यूटन और ये आपका ओ बिंदु से आधी मीटर की दूरी पे है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या बच्चों सामने दिखी हुई छड़ साम्य अवस्था में है, बच्चा दो चीजें पूछता सर, साम्य अवस्था में ऐसे जानते हैं क्या कुल बल शून्य है, क्या बच्चा कुल बल शून्य है सर, 10 ऐसे लगाया और 10 ऐसे लगा, हाँ सर, सर वर्टिकल में कोई बल लगा नहीं लगा, सर हॉरिजॉन्टल में लगा, हाँ दोनों साइड 10 कैंसिल है, क्या बच्चों घूर्णन बल भी शून्य है, नहीं
सर ये 10 गुणा में 1 ऐसे घुमाएगा, 10 गुणा में 1 ये धनात्मक, 10 गुणा में 1 ये कैसे घुमाएगा बेटा, ये ऐसे, ये भी कैसे घुमाएगा उल्टी साइड में, एंटी क्लॉक में, प्लस में, 10 गुणा में आधा कितना आ जाएगा बच्चों आपका 15 न्यूटन मीटर, इसके सही यूनिट होगी बच्चों जूल न्यूटन मीटर। सर यहां पे बल तो शून्य है लेकिन घूर्णन बल शून्य नहीं है, तो इसलिए ये आगे तो नहीं जाएगा लेकिन घूमेगा जरूर। यदि बल बल आगे होता है, बल पीछे होता, चलता भी घूमता भी, चलता भी घूमता भी, लेकिन मैंने क्या बोला, बल आपका समान है 10 और 10, आगे कहीं से खड़ा खड़ा घूमने लग जाएगा, सही है क्या, वो आपको बाद में पता चला। लेकिन बच्चों अब यदि आप साम्य अवस्था पढ़ते हो तो वहां दो चीज आपकी जरूरी है बच्चों, आपको कुल बल भी आपको जो है शून्य करना है और बच्चों आपको कुल घूर्णन बल भी आपको शून्य करना है। जब दोनों चीजों की तब आप बोलोगे पूरी साम्य अवस्था है, वरना ये बच्चों ट्रांसलेशनल साम्य अवस्था होती है और ये घूर्णन साम्य अवस्था होती है। लेकिन कुल आपको बोलना, सीधा कोई बोलता है आपका इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था, मतलब दोनों चीज आप करोगे, बल को भी जीरो करोगे और बच्चों आप टोर किया घूर्णन बल को भी शून्य करोगे। एक बार की लाइन लिख लो, ये सवाल कर उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया एक दो साम्य अवस्था टॉपिक लिख के साम्य अवस्था सीधा ही बना लो, बल भी जीरो और ये भी जीरो, घूर्णन बल भी जीरो, साथ में दिशा आपने बना ली क्लॉकवाइज को मैं लूंगा बच्चों नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, बना बच्चों। सवाल अब देखो एक बार, दिए गए चित्र के अनुसार T1 और T2 तनाव का मान ज्ञात करें, दिए गए चित्र के अनुसार T1 और T2 तनाव का मान ज्ञात करें। देखो बच्चों एक बार, ऐसा एक चित्र अपने पास बना हुआ है, ये अपना धागा बेटा ऐसा T1, ये धागा बच्चों T2, और अपने पास एक ऐसी छड़ नीचे है, ये ऐसी छड़ ऐसे ऐसे लगी हुई है, छड़ की कुल आपका द्रव्यमान m और लंबाई l। आपको ऐसा बोला कि T1 और T2 का मान बताओ। देखो मैं कैसे बताता, सर एक बात बताऊँ, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मुझे बनाना आता है, ऐसे ऐसे छड़ है, इसको छड़ बना ली एम एल, सर एक धागा यहाँ बंधा हुआ है और सर एक धागा यहाँ, सर दो अलग अलग धागे की सेम धागा है, दो अलग अलग धागे हैं, तो तनाव T1 होगा कि दोनों में अलग अलग तनाव होगा, सर दोनों में अलग अलग तनाव होगा, T1 बोल दो और T2 बोल दो, सर तनाव की दिशा कैसी होगी, आपको अच्छे से रट्टा मरवाया था काट के देख लो, हमेशा पॉइंट से दूर की दिशा में लगेगा, सर इससे दूर माने ऐसा ऊपर लगा, इससे दूर का मतलब ऐसा लगेगा, नीचे की बल बेटा क्या आपका एम जी, एक तो सवाल बन जाएगा सर, T1 और T2 जो भी दोनों ऊपर है, एम जी नीचे, एक चीज तो हो गई है, यदि ये बराबर है तो कैसी हो जाएगी सर, बल जीरो होने के कारण एक साम्य अवस्था हो जाएगी, यदि घूमना भी जीरो हो जाए तो पूर्णतः साम्य अवस्था में आ जाएगा। देखो कैसा बच्चे, ये लंबाई मैंने बोल दिया आपको एल बटे में 4 है, तो बीच वाला बिंदु जहां पे एम जी लगा हुआ है उससे ये कोणा कितनी दूर हो जाएगा बेटा, आधे पे है, अरे एम जी कहां लगा है, बिल्कुल बीचों बीच लगेगा, तो इस साइड क्या एल बटा दो, इस बिंदु से कितनी दूर है बेटा, ये एल बटे में 4, क्यों, अरे क्योंकि ये मैंने बोला हो ना एल बटे 4 है, सही है क्या, एक ये रोड थी नीचे एम जी लगा, एक यहां धागा बंधा हुआ, कितनी दूर है सर, ये एल बटा दो, 10 मीटर तो 5 मीटर, लेकिन मैं बोला बच्चों 5 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा, इस साइड यहाँ धागा है, पूरे कोने पे नहीं है, पहले है, तो कितना बचा 2.5, वही मैंने बोला एल बटा 4। अच्छा अब आपको करना बच्चों टॉर्क को शून्य करना है या आपको जीरो करना, सर मैं कैसे करूँ, किसके अबाउट लूँ, किसके अबाउट लूँ मैं, आप ये तो बताया नहीं किसके अबाउट लेना, बच्चों आपकी मर्जी किसी के अबाउट लो, आपकी मर्जी है किसी भी बल के अबाउट आप ले सकते, चाहो तो T1 के ले लो, चाहो तो T2 के ले लो, चाहो तो MG के ले लो। बच्चों हम ऐसी कोशिश करेंगे अननोन बल का टॉर्क जीरो हो जाए, मैं कैसे बिंदु पे घूर्णन बल को शून्य लूंगा जिस बिंदु के ऊपर मैं बल का मान नहीं जानता, क्यों, अरे क्योंकि मान लो मैं T1 के अबाउट लूंगा तो T1 का खुद का घूर्णन बल क्या शून्य है, क्यों, अरे T1 तो खुद ही, R का मान क्या होगा सर, इसी लाइन पे दो R का मान शून्य, R शून्य, इसका घूर्णन बल मैं नहीं निकालना, अरे एक अननोन खत्म हो जाएगा। ऐसे यदि आप MG पे लोगे तो, सर MG का तो घूर्णन बल जीरो लेकिन T1 का भी आएगा, T2 का भी, एक इक्वेशन और दो अननोन, सोल्व नहीं हो सकती। तो आप ऐसी जगह ट्राई करेंगे जहां पे अपने पास एक अज्ञात बल जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। बच्चों देखो मैंने ले लिया T1 के सापेक्ष ले दिया, A बिंदु के अबाउट लेता हूं, टॉर्क मैंने A के अबाउट जीरो लिया, देखो A के अबाउट टॉर्क करता हूं जीरो, सर इसको पकड़ लो, इसको पकड़ा या इसको यहां से पकड़ते हैं, A को यहां पकड़ा, सर इसके अलावा कितने बल है, दो बल है, T2 है और MG, सर MG ये रहा, MG कैसे घुमा रहा, ऐसे घुमा रहा, ऐसे घुमा रहा, मतलब कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। बल कितना है सर MG, और लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कितनी है बेटा, L बटे में 4, ठीक है क्या, एक बल कौन सा T2 कैसे घुमा रहा, ऐसे घुमा रहा है सर, ऐसे घुमाने मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में, घड़ी के उल्टा में प्लस, सर मान कितना बल का T2, और सर दूरी कितनी है A बिंदु से, दूरी कितनी सर L बटा 2 ये और L बटा 4 ये, 3L/4, सही सोल्व किया गया,
और सही सवाल किया क्या? और देखो बच्चों, सर हमने क्या किया, एल बटे में चार और एल बटे चार कैंसिल, टी टू का मान देखना बच्चों अच्छे से सोल्व करोगे तो एम जी बटे में तीन आएगा। यदि एम जी बटे में तीन आएगा यहां पुट कर दो, टी वन कितना आ जाएगा, टू एम जी बाई थ्री। बात पकड़ में आई आपको? क्या ध्यान दिया मैंने, एक बार बल को बराबर किया, एक बार जब घूर्णन बल को शून्य करना तो मैं ऐसी बिंदु से शून्य करूंगा जहां मेरे अज्ञात बल अपने आप ज्यादा से ज्यादा हो ताकि उनके सबका खत्म हो जाए। मना शाबाश, एक बहुत शानदार सवाल करेंगे। चलो एक प्रैक्टिकल सवाल आपको समझाता हूँ। बच्चों आपने सीढ़ी लगाई दीवार के साथ में, सीढ़ी कभी सटा के रखी होगी, सोचो नीचे चिकनी है, नीचे बिल्कुल फर्श चिकना है, सीढ़ी ऐसे जमाते हैं, ऐसे रखेंगे, हिलाएंगे कहीं फिसल नहीं जाए। यदि मुझे डाउट होगा ना फिसलेगी तो हम क्या करेंगे, सीढ़ी को थोड़ा सा और आगे खसकाएंगे, पैर से खसका दी, मैं जितनी जितनी चिकनी सतह होगी इतनी इतनी पास लेके जानी पड़ेगी। अरे ऐसे यदि करिए तो सीढ़ी अगर गिर जाएगी सर, फिसल जाएगी सर, थोड़ी सी क्या करो, थोड़ा सा और ऐसे करो शायद रुक जाए, यदि संभावना दी और थोड़ा सा करो। अरे क्या कर रहा बच्चों, हॉरिजॉन्टल एंगल के अगर धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है सर, जितनी चिकनी सतह होगी इतनी खड़ी सीढ़ी लगानी पड़ती है, जितनी चिकनी होगी इतनी खड़ी सीढ़ी लगानी पड़ती है, इसका मतलब थीटा का मान बढ़ जाता होगा। मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूँ, डबल स्टार पी एम टी और एन सी आर टी, डबल स्टार पी एम टी और एन सी आर टी, एक एम द्रव्यमान और एल लंबाई की सीढ़ी, एक एम द्रव्यमान और एल लंबाई की सीढ़ी एक चिकनी दीवार से सटा कर रखी जाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा एक खुरदरी सतह पर रखा हो, यदि सीढ़ी का निचला सिरा एक खुरदरी सतह पर रखा हो तो सीढ़ी के द्वारा सतह से बनाया गया वह कोण ज्ञात करें, तो सीढ़ी के द्वारा सतह से बनाया गया वह कोण ज्ञात करें जब सीढ़ी स्थिर रहेगी। आपको ये कोण बताना बेटा। सवाल आप अच्छे सुन लो पहले, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सवाल है ये। आप जानते हो पहले ही चिकनी सतह तो आपको ऐसे दीवार से खड़ी करके रखनी पड़ती है, ऐसे करोगे फिसल जाएगी चिकने पे, ऐसा क्यों हो रहा हो न्यूमेरिकली प्रूफ करो। बच्चों पहले मैंने आपको बोल दिया ये कैसी है खुरदरी, ये आपकी खुरदरी सतह है ना, आपका म्यू मान है, ये कैसी चिकनी सतह है। देखो बच्चों अच्छे से बेटा, मैं जो बल समूह बल बनाता हूँ सर, एक बल नीचे एम जी लगेगा, सही बोला मैंने, एक सर यहाँ टिकी हुई सरफेस है तो सर ये अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी एन वन, सही बनाया सर, ये भी टिकी हुई तो अभिलंब प्रतिक्रिया बनेगी एन टू। अच्छा सर ये बताओ मुझे घर्षण बल की दिशा कैसी होगी, अच्छा देखना बेटा घर्षण बल की दिशा कैसी होगी। सर मैं ऐसे ही बनाऊँ ये एक नंबर सही है या कि दो नंबर सही है, एक नंबर सही है दो नंबर। बच्चों तरीका इसका बहुत आसान है, मैंने क्या बोला स्थिर रहेगा साम्य अवस्था में रहेगा, इसका मतलब सर एन वन ऐसा लगा था ऐसा कोई बल होना चाहिए तभी तो रुकेगा, तब बोल दो घर्षण ऐसा, या मैं ऐसे बोलता सर यदि सीढ़ी फिसलती तो ऐसे फिसलती, रोकने के लिए घर्षण कहाँ लगेगा अंदर की दिशा में, सही है क्या। एक बात और समझ में आएगी, साम्य अवस्था है तो सर जो एन वन का मान है ना वही घर्षण है, अरे बल बराबर रहेंगे ना। अच्छा सर जो एन टू का मान है ना वो आपका एम जी है, बात समझ में आ रही है, ये कहां से लिखा मैंने, क्योंकि नेट या कुल बल जीरो है तभी तो बैलेंस होगा। अच्छा सर फ्रिक्शन का मान निकालना है, फ्रिक्शन कैसे निकालते थे सर, म्यू गुणा में नॉर्मल, सर कौन सी नॉर्मल, दो दो लिख दिया आपने, दो सर म्यू गुणा में नॉर्मल, कौन सी नॉर्मल, दो दो लिख दी। फिर मैं बोला बच्चा आपका वो अभिलंब प्रतिक्रिया लेनी है जिसके कारण वस्तु धरती से चिपक के रही, जहां घर्षण है सर यहां घर्षण नीचे है इसके कारण सीढ़ी चिपक के रही, हाँ तो कौन सी नॉर्मल है इसके कारण चिपक के रही है क्या, नहीं किसके कारण चिपक के रही बेटा, एन टू। तो एक्चुअली घर्षण का मान क्या होना चाहिए बच्चों, अलग से दूसरे कलर से लिख रहा हूं, घर्षण का मान होना चाहिए सर म्यू गुणा में एन टू। बात समझ में आई है, अरे समझ में आई है, एन टू का मान आप पहले जानते हैं कितना है म्यू एम जी, तो एक्चुअली बच्चों एन वन का मान क्या बेटा, म्यू एम जी। बात समझ में आई, बस सवाल खत्म हो गया, यही समझना था। ये दो बल बराबर क्यों किए सर, कुल बल का मान जीरो है सर, ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूं घर्षण में म्यू इनटू एन होता है, कौन सा बल लूं मैं अभिलंब प्रतिक्रिया एन वन लूं या इनटू लूं सर। बच्चों एन वन के कारण कोई सीढ़ी चिपक के रही, घर्षण एन वन के कारण आया कहना, अरे यहां थोड़ी घर्षण है, घर्षण तो यहां, तो यहीं की प्रति आपको अभिलंब प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने एन टू लिया। अगला सवाल फिर बच्चों अपने को जो है ना अब घूर्णन बल को शून्य करना है, किसके अबाउट करूं बच्चों, मैं एम जी के अबाउट करूं, बी बिंदु के अबाउट करूं या ए के करूं। अरे मैंने क्या बोला, ऐसी जगह आप शून्य करो जहां ज्यादा से ज्यादा अननोन बल हो, या जहां ज्यादा से ज्यादा बल हो मुझे कम चीजें लिखनी पड़े। यहां मैं करता था एन टू, एफ का एन वन का शून्य हो जाता,
यहां करूंगा तो एम जी का जीरो एन वन भी बचेगा एन टू भी, और यदि मैं यहां शून्य करूंगा एन वन का एन टू का भी जीरो और बच्चों घर्षण का भी जीरो, तो मैं कहां करने का फायदा ए, कहीं कर लो कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां करूं मुझे कम से कम चीजें लिखनी पड़े। तो मैं इससे किया था एक बल दो बल तीन और चार बल थे, चार में दो का तो पहले ही शून्य होगा, दो बच गए, दो का देखो बच्चों टॉर्क लिखना। सर ये एन वन है ये ऐसा घुमाएगा, ऐसा रोटेशन इसका, ये कैसा है सर घड़ी की दिशा में है तो ऋणात्मक है, कितना मान आएगा सर ये बल की लाइन है एन वन और ये इस बिंदु से ये दूरी कितनी है, देखो बेटा ये एल है थीटा, ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा नीचे बेटा एल कोस थीटा, बात समझ में आपको, ये एल है तो ये एल कोस थीटा, ये एल साइन थीटा, सर ये लाइन होगी बल की, इस बिंदु से बल की लाइन की दूरी कितनी है एल साइन थीटा, तो मैंने लिख दूंगा बेटा एन वन गुणा में एल साइन थीटा। एक बल और बचा हुआ कौन सा एम जी, एम जी कैसे घुमाएगा ऐसे उल्टी दिशा में, पहली बात तो आएगा प्लस, सही है क्या सर, ये दूरी कितनी है, ये एक बल की लाइन ये है, एक बल की लाइन ये, इस बिंदु से ये दूरी कितनी है सर, कुल दूरी क्या थी एल कोस थीटा, आधी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा एल कोस थीटा डिवाइड बाई टू, तो एम जी एल कोस थीटा बटे में दो, बच्चों उत्तर आ गया, इतना सोच रहा था हमने को, एन वन का हमें लिख लेंगे एन वन साइन थीटा, एम जी एल बटा दो कोस थीटा, एन वन का मान देखना बेटा क्या लिखा था मैंने, एन वन का मान था आपके पास म्यू एम जी एल साइन थीटा बराबर में एम जी एल बटे में दो कोस थीटा, बच्चों यदि आप कैंसिल करना चाहोगे कैंसिल किया एम जी एल या जाएगा टेन थीटा का मान एक बटा दो म्यू, यही तो मैंने बोला था थीटा कितना आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स वन डिवाइड बाई, अरे बार बार मैंने यही बोला था यदि म्यू का मान कम हुआ, यदि म्यू का मान कम हुआ चिकनी से तय हुई ये मान बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा टेन थीटा बढ़ जाएगा, टेन थीटा बढ़ जाएगा मतलब थीटा बढ़ जाएगा, तभी तो मैंने बोला दीवार से सटा सटा करते थीटा बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल बात है, मुझे कोई पूछे सर एक एक सरफेस पे सेम सीडी, सर एक दीवार का जो नीचे है 0.1 म्यू है, एक में 0.2 म्यू है, किसमें जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ज्यादा बनेगा, सर चिकने को चिकने पे सीडी को जमाना मुश्किल, इसलिए मुझे दीवार के पास लेके जानी पड़ती है, इसलिए बच्चों किसका कोण ज्यादा जो दीवार के पास होगा, जिसका म्यू कोण उसका कोण आपका ज्यादा, सही है क्या, जिसका म्यू आपका कम वहां कोण ज्यादा, बना बच्चों प्रैक्टिकल सवाल बेटा आप जानते हैं डबल स्टार पीएमटी भी, एक चीज लर्न भी आ गई आज एट माइनस अबाउट याद रखना बच्चों, एक डबल स्टार पीएमटी आ गया सवाल, सर छोटा सा टॉपिक और आज पढ़ाता हूँ आपको, अच्छा तुम्हारा जीवन का बहुत बड़ा संचय वो भी दूर करता हूँ, पलटने वाली कहानी सुनो टॉप लिंग, एक लाइन में उत्तर आएगा दूसरी लाइन में लिखूंगा, टॉर्क निकालना आप सीख गए मेरे हिसाब से, घूर्णन बल आपको बल की रेखा बनानी है, जिस बिंदु से निकालना उसे गुणा करनी है, दूरी की अपने आप उत्तर आ जाएगा, बना बच्चों आपने इसके भी बच्चों जो मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो बिगिनर बॉक्स 1-2 की ट्राई करना, वो 1-2 एक्चुअली सर्कुलर में आ चुका है, थीटा 1 दिया थीटा 2 आप बना लेना, कुछ आपके टॉर्क वाले बनेंगे वो आप बना लेना, जड़त्व आघूर्ण कल पढ़ेंगे उसके सारे बन जाएंगे, फिर आप रोलिंग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़े 5 क्वेश्चन आते हैं, लगता नहीं है इतना इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन 5 सवाल आते हैं, 3 इससे 2 उससे, 3 सवाल रोटेशन से बनते हैं, पहला पोर्शन ये चला हुआ है जो घूर्णन वाला, और ये एक आएगा बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, जड़त्व आघूर्ण वाला, एक रोलिंग वाला, अलग सवाल बनते रहते तीनों से, लिखो बच्चों पलटना, बच्चों कहानी तो मैं बहुत लंबी चौड़ी सुना सकता सुना भी रहा हूँ एक मिनट, तो उत्तर सीधा एक लाइन में निकालेंगे बच्चों, जो पलटना होता है टॉपलिंग है बच्चों, उसको सुना नहीं तो मैं सुना सकता हूँ कैसे टॉपल करते कोई चीज, कैसी कोई चीज पलटती है, ये रखा हुआ है कब पलटेगी ऐसे, थोड़ी ट्राई मारूंगा फिर थोड़ी सी ट्राई मारूंगा हिली, फिर धीरे धीरे क्या कहते एक साइड से उठना शुरू कर दिया पलट गई, पर कहानी कब हुई देखो, कहानी सुनाने का मैं ऐसे सुना दूंगा बच्चों, कोई सरफेस पे ऐसा रखा हुआ है, आप यहाँ थोड़ा बल लगाओगे तो ये ऐसा होने लग जाएगा, इस साइड से मामूली सा उठेगा और कुछ कुछ सरफेस कॉन्टेक्ट में बाकी उठने लग जाएगा ऐसे, फिर और थोड़ा सा उठेगा एक साइड से, सुनते रहना बेटे बात को, ये धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी बच्चों ये पूरी कहानी ऐसे, कि आपका क्या बोला मैं पहले जो, अब सुन लेना अच्छे से, पहले जो नॉर्मल जो अभिलंब प्रतिक्रिया आपकी ऐसे बराबर बटी हुई थी पूरी सरफेस पे, जैसे जैसे बच्चे तुम बल लगाओगे तो यहाँ अभिलंब जीरो हो गई, लेकिन एन की वैल्यू है तो एम जी के बराबर ही, एम जी के बराबर है, तो बच्चा कोने पे ज्यादा, यहाँ थोड़ी सी कम ऐसे धीरे धीरे ऐसी होने लग जाती है, लास्ट में ऐसा पूरे का पूरा नॉर्मल एक कोने पे आ जाएगी, क्या कि हमें थोड़ा सा उठाया तो यहाँ नॉर्मल, जैसे मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा उठाऊंगा ऐसे, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है टेन नॉर्मल जीरो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होगी क्यों, एम जी के बराबर है, और क्या बिल्कुल एक कोने में पूरी नॉर्मल आ जाएगी जो पूरी एम जी को बैलेंस करेगी, पहली बात तो है कि धीरे 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 सरफेस के छोड़ता है तो
तो नॉर्मल उस कोने से धीरे धीरे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कोने की तरफ इंक्रीज होने लग जाती है, पूरी की पूरी नॉर्मल, पूरी की पूरी अभिलंब प्रतिक्रिया कोने पर चली जाती है। कौन से कोने पर चली जाती है सर? जिसके अबाउट कोई भी वस्तु पलटती है, जिसके अबाउट कोई भी वस्तु पलटती है, जस्ट पलटने से पहले वहां नॉर्मल पूरी की पूरी एमजी के बराबर। बात समझ में आई क्या? टोपलिंग में मुझे इन ज्ञानों का मतलब ही नहीं है सर, फ्रिक्शन होगा ये ऐसा मुझे जरूरत ही नहीं है। बिना फ्रिक्शन पलट सकता है क्या? नहीं। क्या बिना फ्रिक्शन पलटेगा? अरे आप थोड़ा सा बल लगाओगे ये चिकनी सतह चलने लग जाएगा, नहीं पलटेगा, नो डाउट घर्षण रहेगा, सब कुछ होगा। लेकिन मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिंपल बिंदु मैं लिखवा दूंगा, पलटने के लिए घर्षण का होना जरूरी है। पलटने से बिल्कुल पहले, जस्ट पहले पूरी की पूरी अभिलंब प्रतिक्रिया कोने पे होती है। दो लाइन लिख लो फिर सीधा आंसर। तो प्लीज बेटा, किसी भी वस्तु को पलटने के लिए घर्षण का होना अनिवार्य है। किसी भी वस्तु के पलटने के लिए घर्षण का होना अनिवार्य है। नंबर दो, जस्ट मतलब बिल्कुल, जस्ट पलटने से पहले, अगली लाइन में लिखना बेटा, जस्ट पलटने से पहले पूरी नॉर्मल या पूरी अभिलंब प्रतिक्रिया कोने पे होती है। जस्ट पलटने से पहले पूरी अभिलंब प्रतिक्रिया एक कोने पे होती है। लास्ट पे डबल स्टार लिख के, लास्ट लाइन बच्चों डबल स्टार लिख के लिखो, जिस बिंदु के अबाउट वस्तु पलटती है वहां टॉर्क जीरो कर दो, घूर्णन बल जीरो कर दो। जिस बिंदु के अबाउट वस्तु पलटती है वहां घूर्णन बल जीरो कर दो, उत्तर आ जाएगा बस, और कोई फालतू ज्ञान लेना नहीं। घूर्णन बल आप शून्य कर दो, बात खत्म। देखो बच्चों एक बार, यहाँ मुझे बोला कम से कम ऐसा बल बताओ कि पलट जाए। देखो बच्चों मुझे बोला यहाँ कम से कम ऐसा बल बताओ, ये एक नंबर और ये दो नंबर, अगला तुम खुद ही बना दोगे बच्चों, ये आप खुद ही बना दोगे बेटा। यहाँ मैंने बोला यहाँ एफ लगा हुआ है, ये दूरी ए है और ये वाली दूरी भी बच्चों ए थी, लेकिन जो आपका बल लगा हुआ बच्चों ये वाली जो आपकी है 3a/4 है बच्चों, ये आपकी ए है बेटा और ये भी आपकी बच्चों ए है। आपको ये बताना कितना कम से कम बल लगाए ये जो वस्तु रखी हुई है एम दरमान का जो गुटका रखा हुआ है पलट जाए। तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं लेना कहाँ फ्रिक्शन लगेगा ऐसे कोई जरूरत नहीं। अब ये देख सकते हो कौन से कोने के अबाउट पलटेगा। अरे क्या ये पहचान पाओ किसके अबाउट पलटेगा? हाँ सर यहाँ पलटेगा, हाँ सर इसके अबाउट पलटेगा। और अब घूर्णन बल निकालना सीख गए, उसके अबाउट शून्य कर दो, शून्य करो। कौन सा बल? एक एफ है सर, एक एम जी है, एक एफ है सर, एक एम जी है। एफ का ऐसे आएगा, ऐसा मतलब क्या? क्लॉकवाइज एफ गुणा में ए, ये एफ रहा है, ये दूरी है एफ गुणा में ए। दोबारा देखो एम जी कैसा आएगा, इस साइड तो जमा में आएगा एम जी, और कितनी दूरी है बेटा इससे? ए बटे में दो इज इक्वल टू जीरो। तो एफ ए इक्वल टू एम जी ए बटा दो आंसर आ जाएगा बेटा, एफ का मान आ जाएगा एम जी डिवाइड बाई टू। आपने किया होगा शायद, कम से कम न्यूनतम बल कितना लगेगा एम जी डिवाइड बाई टू। यहाँ देखो एक बार सर, यदि यहाँ बताया आपने कितना न्यूनतम बल लगेगा, एक सेकंड में बता दो, यहाँ बता दूंगा बच्चे। ये एफ है तो एफ गुणा में 3a/2 कैसा आया सर? ये ऐसा रोटेशन एम जी का, ये रहा सर जमा में एम जी गुणा में ए बाई टू, सही है क्या? इज इक्वल टू जीरो। तो एफ गुणा में 3a/4 और ये आ गया एम जी ए बटा दो, ए से ए कट गया, ये दो एफ का मान आ जाए 2mg/3। ये कम से कम बल बेटा जिसके ऊपर पलटेगी। और ये गजब का सवाल स्टार लगा के देख लो, वो बोला कि तुम बहुत होशियार आदमी हो, एक काम करो ये एम दरमान ऐसा रखा हुआ है, धीरे धीरे ऐसा कोण बना दो कि ये पलट जाए, धीरे धीरे ऐसा कोण बना दो, थीटा आप निकाल दो कि ये टोपल कर जाए, पलट जाए। अरे ऐसा रखा हुआ है, पहले मैं क्या बोलता स्थिर रहेगा, अब बोलता स्थिर तो रहेगा, इनका बढ़ाते रहो चलेगा तो नहीं, कभी कभी पलट तो सकता है। अरे कभी ना कभी पलट तो सकता है, बोला हाँ ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करो कैसे कैसे पलट सकता है। सर देखो आपको यदि ये पलटे कभी भी इतिहास में पलटे, किसके अबाउट पलटेगा? इसके अबाउट जानते हो, क्योंकि आप ऐसे ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे कभी पलटे वैसे ही पलटेगा। अरे सर इतना आसान थोड़ी पलटेगा, नहीं पलटेगा, ऊपर जाके पलट जाए, कभी तो पलटेगा, रुका रहेगा कभी तो पलटेगा। इसके अबाउट आप करना कैसा कैसा बल आप जानते हो बेटा? सर एम जी साइन थीटा, एक बल ये जानते हो बच्चों आप एम जी कोस थीटा। बच्चों जानबूझ के मैं एक ही बताया आपको, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं। मान लो बेटा हाइट आपको एच दिया हुआ है इसकी ब्लॉक की, और बेस आपको बच्चों ऐसे बी दिया हुआ है, बेस बच्चों ऐसे स्मॉल बी ले लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और ये आपको स्मॉल एच ऐसे आपको दिया हुआ है। और अब आपसे बोला कि आप बताओ ये कब पलटे, कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपकी एक कोण है, हाँ एम जी कोस थीटा कैसा इसके अबाउट है? क्लॉक वाइज द माइनस एम जी कोस थीटा। सर कितनी दूरी पर लगा हुआ बी बटे में दो,
कितनी दूरी पे लगाओ बेटा बी बटे में, तो एम जी साइन थीटा कैसा है उल्टा एम जी क्लॉकवाइज, एम जी साइन थीटा गुणा में कितनी ऊंचाई पे है एच बटे में, तो शुड बी इक्वल टू जीरो, बराबर कर दो उत्तर आ गया। बराबर किया सर एम जी कोस थीटा गुणा में बी बटे में दो, सर एम जी साइन थीटा एच बटे में दो, एम जी से एम जी कैंसिल, दो से दो कैंसिल, टेन थीटा का मान आ जाए बेटा बी बटे में एच। एक बात आप समझ पाओगे शायद मेरी, अब बच्चा एक छोटा सा डिब्बा रखा, बिल्कुल छोटा सा बॉक्स क्यूब है छोटा सा, उसको पलटना ज्यादा मुश्किल है कि बड़ा सा रखा हो, इतना बड़ा एक ऊंचा सा क्यूब, किसको पलटना ज्यादा आसान, ऊंचे को। ऊंचे का पलटना मतलब क्या बेटा, जिसकी हाइट ज्यादा है पलटने कौन क्या होगा कम, जल्दी पलटेगा। अरे प्रैक्टिकल सवाल है, पता नहीं है तुम सुने ही नहीं, बनाओ जा बस। सुना तुमने कभी ये चीजें, सुन तो रखी होंगी हमने, तू बता। ये ऊंचा है, इसको पलटना आसान है कि ये छोटी सी बोतल होती है उसको पलटना, तो बस सीधी बात है, तो सही है। ये उल्टा रिमो वाला सुना बेटा, तो ऐसे बोल रहा हूँ, कल से थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ा रहा हूँ आधे घंटे का।